हेलो, गुड मॉर्निंग. माय नेम इज शिवम सिंह एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल फेमस लर्निंग. इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द बार्क एग्जामिनेशंस एंड इन द कंप्लीट वीडियो आई विल कवर अप थ्री और फोर थिंग्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल मेजर डिटेल्स ऑफ द नोटिफिकेशन एंड इन नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल अबाउट द हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, बेसिकली व्हाट विल बी द पैटर्न एंड अदर थिंग्स. एंड इन द थर्ड सेगमेंट आई विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाउ टू बेसिकली prepare for this examination by the mechanical engineers, and I will tell lot of things about mechanical engineering, and at last I will discuss the test series, which test series should be followed. Okay, तो फिर शुरू करते हैं वीडियो और पहला पार्ट लेते हैं हम लोग. पहला पार्ट देखो, इसमें जो स्क्रीनिंग होगी दो तरीके से होगी. पहला है कि आपका गेट में गेट 2020 और गेट 2021 का गेट स्कोर से भी आप जा सकते एंट्री ले सकते हैं, मतलब रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हैं. या फिर दूसरा तरीका है बाय रिटन एग्जामिनेशन, रिटन ऑनलाइन एग्जामिनेशन. तो जो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे पूछेगा वो कि आप किस फॉर्मेट से आना चाहते हैं. तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों ही फॉर्मेट से कहिएगा कि मैं बाय गेट भी दूंगा, बाय गेट भी एंट्री पाना चाहूँगा और बाय रिटन ऑनलाइन टेस्ट भी, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ते हैं. ठीक है, क्योंकि फीस सेम ही लगनी है तो एग्जाम देने में क्या दिक्कत जा रहा है यार. ठीक है, और सेकंड थिंग एलिजिबिलिटी. तो एलिजिबिलिटी जो इसमें है, अगर एज का क्राइटेरिया देखेंगे तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 26 ईयर है एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी इट इज़ 29 ईयर एंड एससी एसटी के लिए 31 ईयर्स है. ओके, और जो बिगेस्ट डाउट है इस नोटिफिकेशन में है वो है कि जो बच्चा इस टाइम सेवन्थ सेमेस्टर में है वो इस फॉर्म को भरे या ना भरे. तो यार ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो नहीं है कंप्लीट नोटिफिकेशन. मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा लेकिन पता नहीं, हो सकता मुझे ना भी मिला हो, लेकिन मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ स्पेसिफाइड कि उसमें सेवन्थ सेम को नहीं भरना है. बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो सेवन्थ सेम को नहीं भरना चाहिए, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम हमारा अभी शुरू हो गया है, मतलब प्रोसीजर शुरू हो गया है और 31 नवंबर तक ये लोग सब कुछ कर देंगे, मतलब कि इंटरव्यू भी ले लेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी निकाल देंगे. तो उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर ट्रेनिंग शुरू होगी, मतलब दिसंबर तक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. और भाई अगर दिसंबर में ट्रेनिंग शुरू होनी है और कोई बच्चा सातवें सेमेस्टर में है तो ट्रेनिंग शुरू कैसे कर पाएगा. ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि सेवन सेम वाले एलिजिबल होंगे. जो पास आउट हो चुका है, जिसके पास डिग्री कंप्लीट डिग्री है बीटेक की, वो एप्लीकेबल है. हाँ, ये बात अलग है, जो लोग एट सेमेस्टर में है उनका डीले चल रहा है प्रोसीजर, तो वो लोग भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 31 दिसंबर तक मांगा हुआ है रिजल्ट. ठीक है, तो ये हो गया. और सेकंड और फीस के बारे में अगर बताना चाहो तो फीस में जो है 500 रुपये लगते हैं फीस में. और ये जो 500 रुपये फीस है बेसिकली फॉर मेल है, फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है. और सेकंड थिंग ये जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है. ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप लोग वो देख लीजिएगा. ठीक है, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ नोटिफिकेशन के बारे में. सेकंड थिंग इज अबाउट द हाउ व्हाट इज द पैटर्न ऑफ पेपर. इस एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में करना होता है. और +3 -1 का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सही करने पे 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे -1 मिलेंगे. और जहाँ भी +3 -1 का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारते हैं. ये आप लिख के ले लीजिए कि तुक्का बिल्कुल नहीं मारते हैं. जहाँ +4 -1 का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे तुक्का मारा जाता है, वहाँ पे चांसेस होते हैं आपके नंबर बढ़े. लेकिन +3 -1 में कभी भी गेस वर्क नहीं करना है. ठीक है, तो ये तो यार डिस्कस हो गया हमारा जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब सबके लिए, कि किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, सबके लिए अभी तक डिस्कस हो गया. अब मैं थोड़ा जो अपना डिस्कशन है वो नैरो करूँगा फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स. ठीक है, तो देखो यार, जो मैकेनिकल की जो स्ट्रेटजी होगी वो मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे. तो बेसिकली देखो, इसमें इस एग्जामिनेशन में इस एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आने हैं और 2 घंटे में करना है पेपर को. और जो पेपर का लेवल रहेगा वो गेट का लेवल रहेगा. उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे और कुछ बहुत ही लेंदी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. तो बस अब यही पे कॉन्सेप्ट पकड़ना है हमें, जो बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं करने हैं, क्योंकि 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट है एक क्वेश्चन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली. ओके, तो आप ये जान लीजिए कि जो मैंने पूरा लिस्ट बना रखी है यहाँ सब्जेक्ट की, कौन सा सब्जेक्ट बहुत डेंजरस है इस एग्जाम के लिए. जैसे कि आप देख लो, सोम हो गया, टोम हो गया, बस इन डिजाइन हो गया, इनके जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी आते हैं. मैंने 2 बार एग्जाम दिया हुआ है और दो बार दिया था, और इन 2019 एंड 2020 दोनों मैंने क्रैक किया था रिटन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो बेसिक फंडा इस एग्जामिनेशन का कि आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे हमने, लेंदी क्वेश्चन कहेंगे,
और लेंदी क्वेश्चंस को आपको टच नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है। और आपको अगर डाटा ऐसा लगता है कि जो कि अच्छे से कैलकुलेट नहीं, मतलब जल्दी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है, उस क्वेश्चन का भी अटेम्प्ट करना ही नहीं है। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, जैसे कि मान लो तीन सब्जेक्ट देखो बहुत डेंजरस हैं, जैसे कि सोम हो गया, टोम हो गया और मशीन डिजाइन, इनके क्वेश्चन लेंदी आते हैं, तो इनमें आपको फंसना नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। और जो जो दूसरी कैटेगरी है सब्जेक्ट्स की, वो है देखो फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, आईसी, आरएसी, इंडस्ट्रियल, ये इनके जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मली माइंड लेवल के होंगे, मतलब बहुत टाइम नहीं लेंगे, एक मिनट में हो जाएगा, इनका न्यूमेरिकल भी आता है ना, तो एक मिनट में आप आसानी से कर ले जाओगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ट्राई करने हैं। और थर्ड थिंग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि मटेरियल साइंस के अगर 5 क्वेश्चन आप करने हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन के लिए 5 से 10 सेकंड लोगे और क्वेश्चन कर दोगे, समझ रहे हो, 5 से 10 सेकंड में आप 3 नंबर गेन कर रहे हो। तो वही अगर आप सोम का क्वेश्चन को ट्राई करते हो, तो एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट लग जाएगा अगर लेंदी क्वेश्चन है तो, और 3 मिनट में आप 3 नंबर ही गेन करोगे, 1 मिनट एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ओके। तो आपने समझ लिया ना, पहली कैटेगरी आती है जो सोम, टोम, मशीन डिजाइन, इनके क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं, अगर लेंदी लगता है तो उसको छूना भी नहीं है। और एक बार जान लो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और कॉन्फिडेंट हो अबाउट द सोम, टोम, मशीन डिजाइन, तो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा दबा के रखिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस में लोग पढ़ जाते हैं और उनको लगता है कि क्वेश्चन सामने दिखा, इसको तो करके ही रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलता है, वो टाइम निकल जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 से 15 मिनट कंज्यूम कर जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। मेन फंडा यही है BRC के एग्जामिनेशन का, कि आपको यही क्वेश्चन पकड़ने होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं। तो सोम, टोम, मशीन डिजाइन के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से, और क्वेश्चन आपको आता भी है लेकिन उसमें आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगने जाने वाला है, कम से कम मेरे 3 से 4 मिनट खराब हो जाएंगे, तो आपको वो क्वेश्चन छूना भी नहीं है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, RAC और IC, इन सभी के क्वेश्चन जो आएंगे वो माइल्ड लेवल के रहेंगे, वो बहुत टाइम नहीं लेंगे, आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो जहाँ तक 1 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन करने में आराम से, तो अब वो बेटर है यार, वो आपको करना चाहिए, वहीं से नंबर स्कोर होने वाला है, ठीक है। और थर्ड जो कि इसमें 3-स्टारर है, मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। ये सेक्शन आप छोड़ ही नहीं सकते, अगर आपने ये सेक्शन छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो यार, और तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जबकि 1.5 घंटे हो जाएँ और आपको मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग ना मिली हो, तो 1.5 घंटे बाद आपको पूरा पेपर छोड़ना है, आपको मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग ढूंढनी है कि ये सेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मटेरियल साइंस का आप देखोगे ना, एक इसमें इस एग्जाम में ये भी है ना कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस हो ऐसा ही है, यही है कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे, जहाँ मटेरियल साइंस आपको मिलेगी ना वहाँ 5 क्वेश्चन मटेरियल साइंस के ही होंगे, तो आप तुरंत कैच कर लोगे यहाँ मटेरियल साइंस ही आ रहा है, तो आपको तुरंत वहाँ करना है उसको ढूंढना है। अगर नहीं आपको पहले स्टार्टिंग 1.5 घंटे में अगर आपको नहीं मिली मटेरियल साइंस या मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको 1.5 घंटे बाद ढूंढना है, उसको करना है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ढूंढनी है, उसको करनी है, क्योंकि वही टाइम आपका बचेगा। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो उन क्वेश्चन पर दीजिए जो आपको आते थे आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इतना ही है कॉन्सेप्ट, एंड जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सारा चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं, यही है यार, ऐसा ही करना है। पर देखो पेपर का जो लेवल रहेगा वो गेट का ही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन रहेंगे इतने फर्जी रहेंगे ना, मतलब इतना डाटा उसमें दिया रहेगा, इतना कॉम्प्लेक्स बनाया रहेगा उसे, कि आपको बहुत टाइम ले जाएगा वो, और आपके पास मिनट कितना है, 1 मिनट, सिंगल मिनट है फॉर 1 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप 60 क्वेश्चन भी करके आते हो और आपकी एक्यूरेसी है कि आप 60 में से 55, 54, 53 तक सही कर पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा रिटन एग्जाम में। और इसकी जो कट ऑफ रहती है वो आपकी 150 पर सेट होती है, वो पेपर ऐसा होता ही है कि 150 से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाती है। वो लास्ट टाइम अगर आप देखोगे किसी से बात करोगे 2020 वाले से, तो वो बंदा कह सकता है कि बहुत कट ऑफ हाई थी, हाई वाई कुछ कट ऑफ नहीं थी। उसमें हुआ ये था ना कि स्टार्टिंग में अगर मार्च में एग्जाम हुआ 2020 वाला, उसके बाद कोविड आ गया तो 2020 में, अरे सॉरी नवंबर में फिर एग्जाम हुआ, जब इन दोनों सेशंस को मार्च वाले सेशन और नवंबर वाले सेशन को नॉर्मलाइज किया, तो जो मार्च वाले लोग थे उनके नंबर बहुत हाई हो गए थे, ठीक है। तो वो नॉर्मलाइजेशन में एरर था, लेटर ऑन उसको उन्होंने सही भी किया, कुछ लोग के नंबर जिनके कट ऑफ से कम भी थे वो भी सिलेक्ट हो गए थे, जो कट ऑफ से ज़्यादा थे वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, काफ़ी कोई लफड़ा हुआ था ऐसा वैसा, तो उसका कोई ध्यान नहीं देना है। जो बंदा 55 या 56 क्वेश्चन सही करके आ जाएगा उसका सिलेक्शन श्योर शॉट है, ठीक है, श्योर शॉट। तो आपको ये देख लो, आपको 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं, आपको यही ध्यान देना है कि 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं, और 40 क्वेश्चन कौन छोड़ने हैं, जो लेंदी वाले हैं उनको आपको स्किप करना है, और 60 क्वेश्चन करना है, और 60 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे उसमें 15-20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। जैसे कि मटेरियल साइंस का 5 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, वो मेनली हीट ट्रीटमेंट से पूछते हैं क्वेश्चन, और वो आप आराम से कर लेना कर लोगे।
एंड मैनुफैक्चरिंग के भी क्वेश्चन आराम से 30 से 35 सेकंड में हो जाते हैं, वो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही रहने हैं, बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। तो बस जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया, और जहाँ तक और कुछ तो है डिस्कस करने के लिए, तो अब हम बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज की तरफ। तो टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी टेस्ट सीरीज बढ़िया है कौन सी ख़राब है। मेनली जहाँ तक मुझे पता है सबके पास टेस्ट बुक वाली टेस्ट सीरीज होगी, लेकिन इस बार मैं अलग रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज सारी ही बढ़िया है, लेकिन जो सस्ती है वो ले लो, ठीक है। और टेस्ट बुक वाली सबसे सस्ती है, 300 की पड़ती है, 300 या 270 की पड़ती है, तो बेटर है। बट देखो, जो मैंने दिया था, जो टेस्ट सीरीज दी हुई थी 2020 में, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, जरूरत नहीं पड़ती थी यार, क्या टेस्ट सीरीज देंगे, ऐसे निकल कन्फर्म तक निकल जाएगा और बैठेंगे तो। लेकिन जब मैं 2019 से बैठा था तो मैंने ग्रेडअप की टेस्ट ली थी। ग्रेडअप वाले पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज बनाते हैं इसके लिए, और उस साल इनके टेस्ट सीरीज में 12 पेपर थे, जहाँ तक मुझे अभी याद है 12 पेपर थे और 12 फुल टेस्ट। तो मैं कहूँगा वो जहाँ तक 180 रुपये में पड़ी थी, 180 190 में पड़ी थी, या 200 में ऐसे ही रेंज था पर उसका कॉस्ट आया था। तो आप वो ग्रेडअप वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और उसको आप डेली लगाइए। जैसे आज देखो, आज कितना हो गया, आज हो रहा है 19th of July, तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप कल से प्रिपरेशन करते हो, तो आप उसको 2 या 3 दिन में एक टेस्ट सीरीज दीजिए, और टेस्ट सीरीज को जो देना है उसको बहुत ही डिटेल्ड वे में देना है। जैसे आप, जैसे सिंपल मैं अपना ही डिस्कस करता हूँ, क्या बताऊँ आप कैसे करोगे। देखो जैसे मैं करता था, मैं सुबह उठता था 6 बजे, 7 बजे तक फ्रेश हो गया, 7 से 9 2 घंटे टेस्ट सीरीज दिया, 9 बजे आपने कुछ नाश्ता वास्ता किया, फिर उसके बाद 10 बजे बैठिए और उस टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना शुरू कीजिए। 10 बजे से लेके हो सकता, कुछ लोग को सकता शाम के 6 बजे एनालाइज करते करते 8 घंटे भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता ही है। क्योंकि मान लो और कोई कॉन्सेप्ट उसमें आया टेस्ट सीरीज में जो आपको आता ही नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं से जाके ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने वो क्वेश्चन देखा उसका आंसर रट लोगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो हो सकता है आपकी शाम के 6 बज जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है। इसमें बहुत डिप्रेशन नहीं जाना कि मैंने एक टेस्ट सीरीज लगाई और शाम तक मैं एनालाइज ही करता रह गया। भाई टेस्ट सीरीज का मतलब ही है कि आपने जो उसमें आपको नहीं आया है उसको आपको एनालाइज करना है, कि उस चीज़ अगर वो चीज़ दोबारा आती है किसी भी टेस्ट में आज के बाद, तो आज के बाद उसे कर देना है, ठीक है। तो पहले जैसे मैं ही 7 से 9 टेस्ट सीरीज देता था, 10 बजे फिर बैठता था, 10 से कम से कम मुझे लगते थे, मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने में। ये मैं 2019 का बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज एनालाइज कीजिए अपनी, जहाँ दिक्कतें हैं उसको कहीं नोट डाउन कीजिए, कहीं ऐसी जगह लिखिए जब आप, मतलब मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट दिया भी था कि आप एक बना लीजिए अपनी पतली सी कॉपी या डायरी, उस पर लिखते रहिए। आप उसमें भी लिख सकते हैं कि हाँ ये टेस्ट सीरीज दी थी, ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत आया था, तो आप वहाँ से मेमोराइज कर सकते हैं। और जब एनालिसिस हो जाए तो एक चीज़ और है कि अगर 12 टेस्ट सीरीज है वो 12 के 12 देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं 1 महीने बाद, हो सकता आप ये वीडियो देखें अगस्त में, 20 अगस्त को देखते हैं वीडियो, तो आपके पास 15-20 दिन बचेंगे, तो आपको 12 के 12 टेस्ट सीरीज नहीं दे देनी है। अगर आप 12 में से 6 भी देते हो और 6 की एनालिसिस अच्छे से करते हो और एनालिसिस करने के बाद उसको रिवाइज कर लेते हो, तो वो इक्वेलेंट है कि आप 12 टेस्ट सीरीज एक बार दो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आप अगर 12 टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, आप 12 के 12 एक बार दो, या फिर 12 में से 6 को एक बार दो, दोबारा और तीसरा रिवाइज कर लो, तो 6 टेस्ट को एक बार देना और दो बार रिवाइज कर लेना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू द गिविंग ऑल ऑफ द टेस्ट सीरीज और कंप्लीटिंग ऑल टेस्ट, ठीक है। तो जितना भी दो मतलब टेस्ट सीरीज उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। तो यार सिंपल सी चीज़ है, अगर 12 टेस्ट सीरीज आप देते हो तो आपको 50 कॉन्सेप्ट नए मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप 50 कॉन्सेप्ट अगर एक बार पढ़ोगे बस ना, तो आपको उनमें से एक या दो, मतलब फॉर्म मान लो कि 50 में से आपको 10 याद रह गए कॉन्सेप्ट, ठीक है, 40 आपको भूलना ही भूलना है। अगर 50 कॉन्सेप्ट को आप एक बार पढ़ते तो आपको 10 ही याद रहने वाले हैं, लेकिन आपने 6 टेस्ट सीरीज दी, आपको 25 कॉन्सेप्ट मिले नए वाले, और 25 कॉन्सेप्ट को आपने एक बार वैसे दिया और दो बार रिवाइज किया, तो आपको 25 में से 22-23 याद रह जाएंगे, ठीक है। फाइनल रिजल्ट समझ रहे हो ना, यहाँ 10 ही आया रिजल्ट, वहाँ एक जनरल डाटा मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई एनालिसिस नहीं की गई है कहीं पे, लेकिन जनरली यही होता ही है। अगर किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़ते हो तो बहुत सस्टेन नहीं रहता है, और उसी चीज़ को अगर आप 2-3 बार पढ़ लो तो आपके लिए वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है, ठीक है। तो बस यही कहने का मतलब था कि मतलब अगर आप वीडियो लेट देखना तो मतलब इस सरबड़ी मत पढ़ना कि मैं सारी टेस्ट सीरीज दूंगा। हाँ, जितना कैपेबल आप हो, 6 दे सकते हो 6 दो, 8 दे सकते हो 8 दो, हो सके अगर 4 ही हो पा रही थी 4 ही दो, ठीक है, लेकिन अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, तभी उसका मतलब बनता है, नहीं तो कोई मतलब बनता नहीं है बहुत टेस्ट सीरीज देने का, ओके। तो और जहां तक अगर वीडियो आप आज ही देख रहे हो भाई, तब तो आप 12 दे सकते हो टेस्ट सीरीज,
ठीक है, आराम से दे सकते हो, काफ़ी टाइम बचा हुआ है। और 12 के 12 दोगे और 50 के 50 कॉन्सेप्ट आपने अगर मेमोराइज़ कर लिए तब तो भाई बात ही अलग है, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। और अगर आप ग्रेडअप का अगर पैसे की दिक्कत अगर नहीं खरीदना चाहते कोई बड़ी बात नहीं होगी यार, आप अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आपके पास हो वही दीजिए और उसको बस रिवाइज करिए। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट सीरीज दी एक बार देंगे बस फेंक दिए कि हाँ काम खत्म हुआ मेरा, को मतलब कागजी कार्रवाई हो गई कि मैंने एक बार टेस्ट सीरीज दे ली, ऐसा नहीं। आप टेस्ट सीरीज दीजिए उसको तुरंत एनालाइज कीजिए, कम से कम जितना भी आपको टाइम लग जाए 10-12 जितना भी टाइम लगे यार आपको एनालाइज करना है उसको, और कम से कम एक हफ्ते बाद रिवाइज करना शुरू कीजिए। आपने जो टेस्ट दिया हुआ है उसको रिवाइज करना कि जो कॉन्सेप्ट आपने नए सीखे हुए हैं आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, बस इतना ही कहने का मतलब है और आज के लिए इट्स सफिशियंट। और मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ यूट्यूब, मतलब इस पर काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जहाँ तक उम्मीद करता हूँ वीडियो बनते रहेंगे। और जहाँ तक कुछ लोग पूछते हैं मेरी ज्वाइनिंग के लिए, कोल इंडिया मेरी ज्वाइनिंग कब हो रही थी, ज्वाइनिंग जहाँ तक है डेट आ गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की, मेरा जो थर्ड बैच है थर्ड बैच में ज्वाइनिंग है सितंबर में, 13 सितंबर से डीबी मेडिकल शुरू है, उसके बाद ट्रेनिंग कब से होगी किसी को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। और आज के लिए बीआरसी के लिए इतना ही है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर और भी डाउट है तो हो सकता है मैं लाइव सेशन लाइव आ जाऊँ संडे या नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट संडे, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।